शॉट हवा में और क्या कैच है, और पूरा बल्ला घुमा के मारा है, देख घुमा के। हाँ क्या बात है। थोड़ा भटको। आज सुबह सुबह मेरी टीम ने मुझे एक गूगल ड्राइव का लिंक भेजा, उसके ऊपर भेजे बहुत सारे वीडियोस। अब उन वीडियोस को मैंने अभी तक देखा नहीं है, आपके साथ सोच रहा हूं मैं मिलके देखूं, क्योंकि देखिए आप लोग वीडियो भेजते हैं, अब हो सकता है आप में से किसी का वीडियो जो है आज वो फीचर हो जाए। उसमें मैं दो चीजें करूंगा, एक तो कमेंट्री करूंगा, साथ में उस पर थोड़ी सी टिप्पणी करूंगा कि भाई व्हाई इट इज व्हाट इट इज, आई मीन क्यों स्पेशल है। तो फिर एक और चीज है कि हम जो दिल और धड़कन है ना भारतीय क्रिकेट की, वो रोहित और कोहली नहीं है, वो एक्चुअली आप लोग हैं, आप हैं जिसकी वजह से इंडियन क्रिकेट है जो आज है। तो फिर विदाउट फर्दर अडू देख लेते हैं आज के पांच का पंच में क्या क्या फीचर होने वाला है। चलिए जरा विदाउट फटाफट से एक वीडियो देखते हैं, मेरे को आइडिया नहीं कि इसमें से क्या आने वाला है, बट लेट्स हैव अ लुक। ओके, बल्लेबाज तैयार, ये लगा शॉट हवा में और क्या कैच है, क्या कैच है रोहित साहब, ये उड़ता रोहित हमने देखा। आई मीन ऑनेस्टली स्वेयर टू गॉड, इतना लंबा डाइव, ये गेंद एक समय पे रोहित जो थे वो बिल्कुल पैरेलल टू द ग्राउंड थे। और इसमें जो सबसे खास बात है मेरे विचार में, आप दोबारा देख लेता हूं एक बार फिर क्योंकि ये देखने लायक है दोबारा वीडियो, इसमें जो सबसे खास बात रही वो थी यार कि जब जमीन पे गिरते हैं ना तो वो एल्बो जब जमीन पे लगते कई बार वो बॉल छिटक जाती है, लेकिन छिटकने नहीं दिया है, एकदम पैरेलल टू द ग्राउंड, इट्स अनबिलीवेबल। एक और खास बात है एक्चुअली, अगर आपसे ऊपर की तरफ गेंद हो, सी आपकी हाइट पे गेंद हो, आप डाइव मार ले तो अच्छा रहता है, ऊपर की तरफ हो तो और थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे कैचेस में अगर वेस्ट के हाइट या उससे नीचे हो तो डाई मार के पकड़ना आसान होता है, ऊपर वाले थोड़े मुश्किल होते हैं। रोहित जी कमाल कर दिया आपने, एब्सोल्युटली सेंसेशनल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वीडियो। ये लिखा है इस पे सीधा बॉल हिट द बॉल, अरे भाई साहब क्या कड़क शॉट मारा है यार, वो गई पेड़ों के पास, अरे बाबा। दोबारा देखते हैं। वैसे तो भाई साहब ऑफ स्टंप पे खड़े हैं, बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर खड़े हैं, पता उनको तीन स्टंप्स के बीच में गेंद आ सकती है, और पूरा बल्ला घुमा के मारा है, देख घुमा के। अच्छा शॉट है ये। अब इस पे मैं ज्यादा देर इसलिए नहीं करूंगा व्यतीत क्योंकि अच्छा है, पर अच्छे शॉट्स लगते रहते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो। ये अंडर आर्म क्रिकेट जैसा मुझे कुछ लग रहा है यहां पे होता है मालूम। ओके, पहले तो दो फील्डर देखते हैं, वो जो सिली पॉइंट पे दो फील्डर खड़े हैं, एक नहीं दो खड़े हैं, वो कैसे कैच पकड़ेंगे मेरे को आइडिया नहीं है। पर इसको अगर हम दोबारा रीप्ले करें, थोड़ा सा राउंड द स्टंप्स गेंदबाजी, राउंड द स्टंप्स गेंदबाजी खड़े खड़े ही है, ऐसे कर पूछ नीचे या ऐसे में कोई डर नहीं लगता कि बॉल स्टंप्स पे जाके लग जाएगी, और मतलब हाँ ऑब्वियसली कोई फील्डर नहीं है इसलिए चौका हुआ है, पर ये NSPL भाई साहब के जो प्लेयर हैं इन्होंने तो कमाल ही कर दिया। वैसे वो सिली पॉइंट शॉट लग नहीं, सिली पॉइंट वाले जो दो फील्डर खड़े क्यों हैं ये, वैसे तो हाथ ऐसे पकड़ के खड़े हैं कि भैया बच जाएं हम, पर ये वाला जो शॉट है इसको क्या बोलेंगे इस शॉट को, आई डोंट नो, क्योंकि कोई ऐसे खेलता नहीं होगा ठंडे में बॉल जाके लग जाती है, इन जनाब ने ये भी काम कर दिया। तालियां है भाई, मैं एक्चुअली अभी सारे वीडियो देखे नहीं है पर मैं सोच रहा हूँ थोड़ी रैंकिंग कर लूँ। टॉप कैच, दिस इज ऑल्सो न्यूली देयर, आई मीन अद्भुत तो ये भी है यार। नेक्स्ट वीडियो। ओके, ये अच्छा सा कोई मैदान लग रहा है मुझे। ओके, लेफ्ट आर्म थोड़ी सी लूज बॉल, क्या बात है। वो जा साथ में बता भी दिया, देखिए फिटनेस किसी का यूरो टेस्ट नहीं हुआ यहाँ पे ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि फिटनेस पे बिल्कुल तवज्जो नहीं दिया गया है। थोड़े से बड़े लग रहे हैं, मतलब अच्छी उम्र के लग रहे हैं गेंदबाज। एक्शन में अगर देखूं तो बड़ी मुश्किल से बॉल वहां तक पहुंचे, पर पड़ने के बाद टर्न हुई है तो वो गलत लाइन में खेल गए, बाहर से गेंद जाके लगी ऑफ स्टंप पे, नियर परफेक्ट बॉल। अब इसमें मुश्किल क्या था कि जब वो लेफ्ट आर्म स्पिनर वो राउंड द स्टंप ज्यादा ना तो कोने से बॉल डालता है, जब कोने से डालता है तो लगता है कि बॉल ना अंदर की तरफ आ रही है, बैट्समैन को भी यही लगा, तो अंदर वाली लाइन पे खेल रहा था, बॉल पड़ी और पड़ने के बाद बाहर गई और जाके लगी डंडे पर। अक्षर पटेल ने ऐसा बहुत किया इंग्लैंड के बल्लेबाजों के साथ, तो आप उनसे भी थोड़ा सा पूछ सकते हैं, बहुत मुश्किल होता है, इंग्लैंड वालों से पूछ सकते हैं। अक्षर तो टाइम पास के लिए इस बार वैसे ऐसा काम कर रहे हैं। अच्छा वीडियो था ये, अंकल को थोड़ी फिटनेस पे काम करना है, स्किल पे काम नहीं करना है, वेरी वेरी गुड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वीडियो। शॉट तो अच्छा लगा है, ये शॉट अच्छा है, गुड शॉट, नो डाउट। ओ कैच पकड़ लिया बाबा, अरे यार ये विकेट हो गई है, मुझे लगा शॉट अच्छा है, ये दोबारा देखना पड़ेगा क्योंकि इसको मैं बड़ी स्क्रीन पर करके देख रहा हूँ दोबारा अपने लिए, क्योंकि बोला रहा है थोड़ा ऑफ स्टंप की तरफ चल के पहुंच गए थे। शॉट मेरे विचार में बहुत अच्छा है, एकदम फ्लैट ये गेंद गई है, पीछे फील्ड, ओह 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 ओह
सुपर कैलीफ्रैजिलिस्टिक एक्सपियालिडोशियस, ये दोबारा देखते हैं। एक्चुअली कैमरा ने भी जो बॉल फॉलो किया बहुत अच्छा किया, इट्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। पूरा कूद के बिल्कुल इससे ऊपर नहीं जा सकते। टाइमिंग इज आउटस्टैंडिंग, एथलेटिसिज्म इज आउटस्टैंडिंग, प्रेजेंस ऑफ माइंड इज आउटस्टैंडिंग, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए टाइमिंग की जरूरत है ताकि आप सही समय पे कूदें। उसके बाद एथलेटिसिज्म की आपके अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप इतना जमीन से ऊंचा उठ के कैच पकड़ सकें। तीसरा, जब आप लैंड करते हैं आप कहां कर रहे हैं यार, ये हम कह रहे हैं बेन स्टोक्स का कैच सबसे अच्छा था विश्व कप का, ये दिखाओ इनको, ये बेन स्टोक्स से ही बेहतर कैच है यार, ये अनबिलीवेबल कैच है। भाई आज कंपटीशन बहुत कड़ा है कि कौन सा बेस्ट वीडियो, आई रियली डोंट नो, दिस वाज ब्रिलियंट, दिस वाज एब्सोल्युटली सेंसेशनल। अगला वीडियो देखते हैं। चलिए एक स्लिप भी लगा के रखी है वैसे गेंदबाज ने, तो स्लिप वाला बैठ नहीं रहा नीचे, थोड़ा भट भाई दो हाथ से मार लेता यार, आई मीन ये क्या है ये दोबारा देखते हैं। बोल मतलब बोला ठीक है, एक्शन थोड़ा भट्टा बॉलिंग लगी, लेकिन एक हाथ से ऐसे, एक हाथ से हेलीकॉप्टर, ये कौन है ये बल्लेबाज, अरे यार ये क्या शॉट है यार, ये बनकोड़े की टीम ने भाई ये कमाल ही कर दिया, और इस छक्के के साथ गेम को समाप्त भी कर दिया। आई मीन व्हाट इज दिस, दिस इज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। दोबारा देखते हैं एक हाथ से ऐसे करके, मेरे से दो हाथ से नहीं लगता वो हेलीकॉप्टर शॉट में मारता हूं ना वो कवर्स में चला जाता है, इन्होंने हेलीकॉप्टर सामने की तरफ मारा है, बोला भट्टा है, पर शॉट बड़ा कड़क है यार मेरा तो भाई। अब ये बड़ा मुश्किल हो गया है कहना कि कौन सा वीडियो एक्चुअली सबसे बेहतर था, वो कवर की कैच कहूँ या वो डीप में कैच कहूँ या फिर वो ये वाला शॉट कहूँ या फिर हाथ से एक हाथ से मारा हुआ शॉट कहूँ, आई डोंट नो एक्चुअली, दिस इज जस्ट सेंसेशनल। तो अब आप बताइएगा आपको इनमें सबसे बेहतर कौन सा लगा, अगर आप का ये वीडियो है तो दूसरों से बहुत सारा शेयर कीजिए, और ये बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा, क्योंकि ये हम एक नया काम करना शुरू करें जिसमें आप मुझे भेजते हैं वीडियोस, मेरी टीम उसको कलेक्ट करती है, आई रिएक्ट टू देम फर्स्ट टाइम, मतलब उससे पहले नहीं देखता हूँ और फिर सीधा देखता हूँ और उसके बाद रिएक्ट करता हूँ, थोड़ी सी कॉमेंट्री, थोड़ी सी टिप्पणी, थोड़ा सा क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इतना मुश्किल शॉट है, उस पर थोड़ी सी बात, और फिर टाटा बाय बाय अगले एपिसोड के लिए। मैं तो तैयार हूँ, क्या आप तैयार है? देखिए अगर बहुत सारा आपने व्यू किया, इस पर बहुत सारे लाइक्स आए, बहुत सारे कमेंट्स आए, तो विल कंटिन्यू डूइंग दिस, ये तो आप ही का चैनल है, देखिए आप पसंद करेंगे तो हम आगे काम करेंगे, आप नहीं करेंगे तो हम कहेंगे टाटा बाय बाय। अच्छा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, नोटिफिकेशन घंटी करो, नहीं घंटी को दबाओ, और इस साल ना 5 मिलियन पे पहुंचते हैं, पिछले साल 3 पे, उससे पिछले साल 2 पर, ये 2022 में 5 पे पहुंचते हैं, 4 मिलियन नहीं 5 मिलियन पे पहुंचते हैं, और आपकी वजह से पहुंच सकता हूं मैं सिर्फ, दैट्स इट। तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब और शेयर करो दूसरों को, सबको बताओ 5 का पंच इज द न्यू वन, जिसमें आते हैं आपके वीडियोज़।